नगरपालिका सफाई कर्मचारियों के वर्गीकरण व वेतन वृद्धि को लेकर भारतीय मजदूर संघ द्वारा लगभग 5 वर्षों से कार्रवाई की जा रही थी, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों में अति कुशल, कुशल, अर्धकुशल की ग्रेड निर्धारित की गई है। इससे ग्रेड अनुसार कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई है। पहले सभी कर्मचारी अकुशल की श्रेणी में कार्य कर रहे थे। भारतीय मजदूर संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुल्तान सिंह शेखावत के लगातार प्रयासों से कर्मचारियों के वर्गीकरण में सफलता मिली, जिस पर गुरुवार को सुल्तान सिंह शेखावत, सीएमओ सतीश मठ सेनिया, नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी, कैलाश मरमट, बालकिशन धोलपुरे, सत्यनारायण शर्मा, राजकुमार सिसोदिया, वाल्मीकि समाज के दीपक मकवाना, लालचंद कंडारे का पुष्प माला से स्वागत किया गया। भैया हटना सामने से। भैया सामने से हट जाना भैया। पप्पू भैया सामने से हटना। धन्यवाद सर, अभी उतारना मत सर अभी ना। चलो चलो हो गया, आगे बढ़ो। उसको चलो पप्पू भैया, चलो बालकिशन, पप्पू भैया चलो। दीपक भी आवेश है। जैसा कि नगर पालिका में जो कर्मचारी पदस्थ हैं, जो कि मिनिस्टर कर्मी हैं, उनकी निर्धारित योग्यता रखते थे और उनका अच्छा काम था, अच्छा काम कर ही रहे। जैसा कि आज हमारा नागदा से पूरा का पूरा जो कोरोना पॉजिटिव था, आज नेगेटिव की स्थिति में चल रहा है, तो वो ये मेहनत इन्हीं हमारे नगर पालिका स्वास्थ्य कर्मियों की, सफाई मित्रों की बदौलत ही है। तो इसी क्रम में हमारे पूर्व माननीय मंत्री महोदय जी बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि इनको है ना, इनका जो हक है वो मिले। तो माननीय पूर्व मंत्री महोदय के द्वारा इसमें प्रयास किया गया और जो लोग इसके पात्र थे उन सब लोगों को, मतलब जो उच्च कुशल था, अर्धकुशल था, कुशल था, मतलब उनकी निर्धारित जो श्रेणी थी, जो पात्रता थी, उसके अकॉर्डिंग इनको इसका लाभ दिया गया। जो कि बहुत अच्छी बात है कि इनको प्रोत्साहन मिला ऐसे वक्त पर कि जबकि है ना इनके प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। तो मैं माननीय पूर्व मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अच्छा इसमें स्टेप लिया और सभी लोग लाभान्वित हुए। धन्यवाद। मैं हमारे नगर पालिका सेमू साहब, हमारे प्रसन्न जी रघुवंशी सेमू साहब और हमारे आदरणीय जी सुल्तान शेखावत जी और मेरी टीम के दीपक जी मकवाना और कैलाश जी मरमट, हम सभी लोगों के प्रयास से हमने काफ़ी दिनों से इस श्रेणी में लाने के लिए सभी को अर्ध कुशल, कुशल को राशि दिलाने के लिए प्रयास करे किए जा रहे थे। आंदोलन भी किया था लेकिन किसी कारणवश अध्यक्ष वगैरह हट गए थे और सेमू साहब भी शादी में गए थे तो लेट हो गया काफ़ी। ये तो बहुत पहले मिल जाता, तो अच्छी समय पे इन्होंने करा। मैं सभी अधिकारी को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। नगर पालिका के इस कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय श्री हमारे सुल्तान सिंह जी शेखावत जी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सेमू साहब और नोडल अधिकारी श्री बसंत रघुवंशी और पदाधिकारी, ये मांग हमारी पिछली 5 से 6 साल से चल रही थी। हमने बार बार इस मांग के लिए प्रदर्शन किया होगा, आप लोगों को भी इसकी वो ज्ञात है। और इस मांग को आज हमारे
प्रयास माननीय मंत्री जी की तरफ से और सेमा साहब की तरफ से सफल हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। और आज जो ये कार्यक्रम हमने तरफ से जो स्वागत कार्यक्रम रखा है, इसके लिए सारे कर्मचारी की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज जो समारोह हुआ उसके लिए सेमो साहब, हमारे नेताजी, इन सभी का बहुत बहुत आभार। इन्होंने आज वाल्मीकि समाज के लिए जो करा है उसके लिए मेरी ओर से और मेरी पूरी वाल्मीकि समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका नागदा में हमारे 400 कर्मचारी ऐसे थे जिनको अकुशल वेतन मिल रहा था। माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब की ओर से प्रयास किए गए और हमारी जो कर्मचारियों की जो यूनियन थी, इनकी कभी से मांग थी, इस मांग को देखते हुए हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी और हम सब ने मिल के इसको, इन सब लोगों को अर्धकुशल का जो लाभ दिया, मैं सभी का इनका इन लोगों ने 5 साल में जो अपना धीर रखा उसके लिए सबों को बहुत बहुत बधाई और इनको जो पैसा बढ़ा उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सन्माननीय नगर पालिका के सीईओ साहब सतीश जी, नोडल अधिकारी भाई बसंत रघुवंशी जी, हमारी यूनियन के नेता भाई बालकिशन जी, कैलाश जी, कुशल जी और दीपक जी मकवाना और हमारी पूरी टीम, लंबे समय से नगर पालिका की हमारी यूनियन 4-5 मांगों को लेकर लगातार आंदोलन भी किए, शासन स्तर पर प्रयास भी किया। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा कि सतीश जी सीएमओ बनकर के जब आए और पहली बार हमने इनके सामने वस्तु स्थिति रखी, हमारा इनका पुराना रिकॉर्ड भी हमें पता था गुना जिले का और भी जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया उसका, इन्होंने सदैव जो वास्तविक जो रिजनेबल है उसको मानना चाहिए, इस आधार के ऊपर उन्होंने कहा कि इनकी मांग जायज है और उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ही पूरी हो सकती है। वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई और प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी प्रथम उसमें हमारी जो एक मांग थी कि भाई इनका वर्गीकरण किया जाए, वर्गीकरण के संबंध में मैंने पहले भी आपके सामने एक बात कही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में वाल्मीकि समाज इंदौर नगर वन आया, नंबर एक सफाई में आया, तो बोले सबसे बड़ा योगदान नगर पालिका नगर निगम कर्मचारियों का है और वाल्मीकि समाज का, इनका वेतनमान पृथक से अलग से होना चाहिए। राज्य सरकार ने भी इसमें विचार किया और उनका वेतनमान भी अलग से उन्हें तय करने की सिफारिश फाइनेंस विभाग में भेजी हुई है, वो सिफारिश आने के बाद इनका वेतनमान और बढ़ेगा, मैं आपके सामने इस बात को दोहरा रहा हूँ। तो ये लगातार प्रयास करने के बाद में अभी जो वर्गीकरण का हमारा काम था, उस 5 साल जिनका सेवाकाल हो गया था, उन सारे लोगों का जो जिस स्थान पर काम कर रहा है वो सभी श्रेणियों में उनका वर्गीकरण हुआ है। और इस वर्गीकरण के बाद इनकी कार्यकुशलता, इनकी योग्यता, इनकी क्षमता को देखकर ये वर्गीकरण धीरे धीरे अपने आप परिवर्तन होता जाएगा और कुशल अति कुशल तक ये लोग जाते रहेंगे। अब सारे लोग अकुशल में नहीं रहेंगे, समय के साथ में सब में परिवर्तन होता रहेगा क्योंकि एक लाइन मिल गई है, राज्य सरकार के निर्देश भी मिल गए हैं। मैं आपके माध्यम से नगरपालिका की हमारी पूरी टीम जिन्होंने बहुत धैर्य रखा, इतना धैर्य रखा इन्होंने कि 5 साल तक लगातार खूब धैर्य रखा, हम आज आपके माध्यम से पूर्व जो तत्कालीन नगरपालिका थी हमारी उसको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि पीआईसी में जाते जाते समय उन्होंने पीआईसी में सारे सब बिंदुओं को पास कर दिया था, पास करने के बाद नगरपालिका का कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो उनको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी इसमें पूरा सहयोग किया। उन्हें हमारे सीएमओ साहब का, बसंत जी का, हमारी दोनों यूनियन के सभी पदाधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का, सबका धन्यवाद कहूँगा कि इसी प्रकार नगर हित में धैर्य बनाए रखे और वर्तमान कोरोना में जितनी मेहनत हमारे इन भाई बंधुओं ने की है, पुलिस के साथ साथ सफाई कर्मचारी और नगर पालिका का हमारा स्टाफ पूरी ताकत के साथ, तन्मयता के साथ लगा हुआ है, उन्हें इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इस कोरोना की इस लड़ाई को हम लोग नागदा में जीते हैं और आगे भी हम इसको जीतते रहेंगे, इतना ही कहना पर्याप्त होगा। धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने वर्तमान सिंह साहब द्वारा नगर पालिका कर्मचारियों को, लगभग 300 कर्मचारियों को अर्ध कुशल जो कि 857 रुपये बढ़ाकर इस समय इन्हें सैलरी प्राप्त हो चुकी है, इसलिए उनके लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करने के लिए हमारे मंत्री साहब को भी बुलाया, हम आभार व्यक्त करने के लिए उनको बुलाया, तो स्वागत के लिए हम सिंह साहब के स्वागत के लिए सभी मेयर को
महामंत्री से निवेदन करूँगा कि